लाइफ, जीवन, तकलीफें, ख्वाब, ख्वाहिशें, तमाम ऐसे शब्द जिससे हम पूरे दिन घिरे रहते हैं। रात को सोते वक्त सपने में ये चलते हैं। अभी तो हमारी इच्छाएं, जिसके साथ में हमें अपनी इच्छाएं को देखना था, पूर्ण करना था, कंप्लीट करना था, सब अधूरी रह गई। अब जीवन कैसे चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं, क्या होगा मेरे साथ में, जो मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या ये मेरे पूर्व जन्मों की वजह से ऐसा हुआ है, क्या ये सारे जो मेरे जीवन में जो दुख तकलीफ सारी चीजें बन के जो आ रही, एक पहाड़ रूपी चीजें जो बन के आ रही हैं, क्या मतलब इन सारी चीजों का। जो अब से 2 साल पहले मैं बहुत हंसता था या हंसती थी, वो हंसी कहीं ना कहीं गायब हो गई है चेहरे से। क्यों? मैंने इस लाइफ में कभी भी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी को गलत नहीं कहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है? क्या मैंने उसको प्रसाद नहीं चढ़ाया? क्या मैं उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं गई? क्या जैसे एक पंडित ने, एक पुजारी ने, एक इमाम ने जैसा बताया, मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने क्या गलत किया? आई नीड आंसर। क्या ये जीवन सिर्फ इसलिए मिला था कि हम दुख झेलते रहें? क्या इस जीवन का मकसद हमारा सिर्फ इतना सही है कि हम रोते रहें? कुछ ऐसा किया है हमने जो हमें नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्टली या अननोनली हमसे बहुत बुरा हो गया हो? क्या हमने किसी का दिल दुखाया इसलिए हमारे साथ में ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि हमसे जो खुशियों का एक शब्द है, शब्द को भूल गए, हैप्पीनेस का मतलब भूल गए? हम चारों तरफ जिसको देखते हैं सब खुश हैं, सिर्फ एक मैं ही इतना दुखी और दुखी हूं। क्या मैंने अपनी जिंदगी ऐसी चुनी है? क्या मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में बुरा किया है? मैं क्या पास्ट लाइफ में मैंने बहुत कुछ बुरा करके आया हूं या आई हूं? ऐसा क्यों मेरे साथ में ही ऐसा क्यों? मैं आपकी, दूसरों की, बहुत बहुत बड़े मोटिवेशन जो देते हैं उनकी सबकी वीडियो देखता देखती हूं, लेकिन एक दिन सब सही रहता है, उसके बाद में सब खराब हो जाता है। फिर पहले वाली सिचुएशन, स्थिति में आ जाते हैं। हम अपनी आज की स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। भगवान ने हमारा ऐसा जीवन क्यों बना दिया? मुझे जीने की खुशी मिली थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी वाइफ थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरे माता थे, मेरे पिता थे, मेरे भाई थे, मेरे बहन थे, एक डॉगी था, भगवान ने उसको भी छीन लिया। ऐसा क्यों? क्या मैंने सबसे बुरा किया है? मैं संसार का सबसे बुरा आदमी हूं? ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रुक रुक के और इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं। देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और इवन तो आजकल तो ज़्यादा ही PLR के माध्यम से, जो भी हमारा नया चीज़ें चल रही हैं उसके माध्यम से ये जानने को मिल रहा है। और रात दिन के यही टेक्स्ट हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जाननी चाहती हूँ, तमाम तरीके इसी तरह के टेक्स्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन सबको एक बयां किया जाए, एक ही वीडियो में जितना भी मैं कोशिश कर सकता हूँ सबको रखा जाए और एक सबको एक कॉमन सा आंसर दिया जाए, जो सुनने में कॉमन है। कॉमन का मतलब कि सबको असर करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि इस जन्म में मैंने जो अपने हस्बैंड को खोया है, अपनी वाइफ को खोया है,
या किसी भी रिलेशन वाले को जिससे आप बहुत प्यार करते थे, क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्मिक अकाउंट के कारण था? यानी कि मैंने कुछ लास्ट बर्थ में या अभी कुछ मुझे ना भी पता हो, मैंने ऐसा कुछ बुरा किया हो कि भगवान ने मुझे दिखाने के लिए ऐसा किया होगा? यही सवाल, अधिकतर यही सवाल आजकल कॉमन है जो मुझसे, स्पेशली मुझसे तो पूछा जाता, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरा व्हाट्सअप तो इन्हीं से भरा जाता है। कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से भी आप रीड आउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो आज की वीडियो इसी के उस पर चलेगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे दो चैनल हैं, स्पेशली डिवाइनेंस और प्राचीन कहानियाँ। प्राचीन कहानियाँ पर ये वीडियो आप अभी देख रहे होंगे, और हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी की बात तो करते ही हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके कुछ वैल्यू ऐड की जाए, कुछ आपको एक नया रास्ता दिखाया जाए जिससे कि आपको समझ में आए कि जीवन ऐसा क्यों है। बहुत सारे लोग वीडियो देख देख के बोर हो जाते हैं, वो पूरे दिन 30 सेकंड वाली वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, लेकिन काम की वीडियो जो लाइफ से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी उसको देखना पसंद नहीं करते। क्यों देखें? क्योंकि टाइम नहीं है। हम पूरे दिन रात दिन सफ़र करेंगे, उस बेड में पड़े रहेंगे, बाहर कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? बात कहने की बात भी सही है, क्योंकि अच्छी चीज़ देखने के लिए हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो गवाही नहीं देता। वो हमेशा हमें रोकता है कि नहीं, अगर तुम कंफर्ट जोन से निकलोगे तो बहुत बुरा होगा। तो उस बुरा करने के लिए वो हमारा माइंड हमें रोकता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्रूफ किसी चीज़ का नहीं है। अगर मैं कोई बात भी बताऊं तो आप कहोगे कि आपको ये सारी बातें कैसे पता? बहुत सारे लोग तो आज आप सुन के आपको हंसी आएगी। एक मेरे पास में फ़ोन आया कि सर आत्मा होती क्या, ये सच है? और ऊपर से वो हंस भी रही थी, एक फीमेल थी हरियाणा की, उनका नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और लेने से मेरे पास में ये फ़ोन था जो अक्सर मेरी टीम के पास में रहता था, मैं चेक कर रहा था व्हाट्सअप वगैरह, तो उस समय तो मैंने उनका फ़ोन पिक किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर नहीं, आप मुझे बताइए कि उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में स्पेशली रहती है, लेकिन मैं कुछ ऐसा, मेरा मतलब नहीं है कि उनको रिवील करना है, बस एक बता रहा हूँ कि सर आत्माएं जैसी होती हैं क्या? और वो हंस रही थी, तो मुझे लगा कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है, तो किसी को ऐसे ज्ञान देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान पूछने की उसमें भी नहीं थी, वो एक जैसा होता ना कि एक फन बनाने के लिए। मैंने कहा सीधा कि आप क्यों इन चीज़ों में फंसे हो, ये तो सब झूठ है। उन्होंने जैसे पूछा कि क्या ये सच होता है? मैंने कहा नहीं मैम, ये तो सब झूठ होता है, आप इन चीज़ों की तरफ क्यों मुड़ रहे हो, इनका तो कोई यूज़ नहीं है। तो हंस रही थी बात करते हुए कि चलो, तो मैं भी हंसा कि मैं नहीं चाहता कि उनकी हंसी में खलल पड़े, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन की बात यही है कि जो सुनना चाहता है उसको वो नहीं सुनाना चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा अपने आप को रोक करके मैंने उनको वो बताया जो सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी हंसी शायद बहुत दिनों में आई हो, या उनको कुछ बुरा लगा हो, या उनको कुछ ऐसी कोई अंदर एक्साइटमेंट आया हो कि हाँ मुझे बात करनी ही करनी है। लेकिन जो भी था मैंने उनको बताया जो उन्होंने पूछने की कोशिश की। तो वही एक बात थी कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि आत्मा होती है नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है, जब ऐसे लोगों को इतना ही नहीं पता है कि मेरे अंदर कोई जीव है और वो मेरी मदद करता है यहाँ पर रहने के लिए, तो उन आगे वो कैसे बढ़ सकते हैं, मुझे तरस आता है। और बात तो इतनी इतनी लंबी करेंगे पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की, लेकिन उनको अपने आप के बारे में नहीं पता चल पाता। तो तब मुझे सच में पीड़ा होती कि मैं पिछले 3 साल से कम मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ, और इसके बाद में भी अगर इतना नहीं सीखा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है, या आत्मा भी नहीं कह लो कि कुछ नेचर ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। आज एक और टीम मेंबर थे, जैसा हमारा PLR का सिस्टम चल रहा है, थोड़ा लेट है, डिले है, तो सबको रिप्लाई नहीं आ रहा। उसके लिए मैं पहले खेद भी जता चुका हूँ, फिर भी जता रहा हूँ कि देखिए हम फ्री में कर रहे हैं, तो 1 रुपया मतलब कुछ भी नहीं है, तो बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ें सेटलमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भेज भी दिया गया है जो पहले आए थे, जो नीडी हैं सच में, और जो दूसरे खेप के लोग हैं यानी कि जो उसके बाद के लोग हैं उनके लिए तैयारी की जा रही है। तो उनका परसों मेरे को टेक्स्ट आया था, कल हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आज उनका उन्होंने आया कि आप बहुत एटीट्यूड में हो और आप शिवानी जी का नाम लेकर ये करते हो और वो करते हो, उन्होंने मेरे को खूब सुनाया।
वीडियो सब कुछ उस पर है, उनका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता कि चलो ठीक है वो परेशान होंगे, हमें सुनाओ तो हमें गाली भी दो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी कह लो या काबिलियत कह लो या हमें सुनने की जो क्षमता वो कह लो, लेकिन स्टिल हम ह्यूमन बॉडी में तो हमें भी लगता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैम देखिए आपके पास में बहुत पैसा, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, मैंने कि मैंने तो पैसे की डिमांड ही नहीं की, मैंने तो आपको ये कहा कि 1 रुपया मुझे दे दो बाकी का बच्चों को दे दो, अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो वो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी बातें हुई, उसके पश्चात में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको पैसे ही चाहिए, आप सिर्फ ये ढोंग करते हो ये करते हो। मैंने कि ठीक है मैम फिर आपको जहाँ सही लगे आपको वहाँ पर करा लीजिए। वो फिर मतलब पता नहीं क्यों इतनी चिड़ी हुई थी लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, फाइनली आप जानते हो क्या क्या होगा तो बस हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कीप पेशेंस, दुखी हो आप समझ सकता हूँ मैं आपको, लेकिन अक्सर दुखी की संख्या ज़्यादा होती है, उनको क्योर करने वाले कम होते हैं। इस संसार में भी आप देख सकते हैं डॉक्टर कम है मरीज ज्यादा है, लेकिन जब डॉक्टर ये चाह रहा है कि सबका मैं ट्रीटमेंट करूं तो मरीज को भी थोड़ी सी तसल्ली रखनी चाहिए। आप कई बार तो ऐसा डिमांड करते हो कि जैसा आपने किसी को खरीद लिया हो, सच में दुख होता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं तो फेल्ट वेरी बैड कि क्या है कि है। बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उनसे एक ऊर्जा मिलती है, खुशी आती है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। बट ऐसे लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो नहीं कर सकते, प्लीज़ कहीं अलग जाइए, एक अच्छा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ऑन टाइम जब आप चाहोगे वो आपको स्लॉट मिलेगा और आपको सर्विस देंगे। बट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम सच में नीडी की हेल्प कर रहे हैं, और स्पेशली मैं कर रहा हूँ तो देखिए मेरे 4 हाथ इतना सारी चीज़ें नहीं है, टाइम है 24 आवर्स ही है, मेरे काम अपने भी हैं लेकिन आपको भी देख रहा हूँ। खैर अब हम आते हैं अपने टॉपिक के तरफ जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, इतने दुख मुझे क्यों दिए, सब कुछ मेरे अंदर ही क्यों ऐसा डाल दिया, मेरी जिंदगी से ही हैप्पीनेस क्यों छीन ली। तो इसी के ऊपर हम और भी बात करेंगे, डेटा राइट बात करेंगे। देखिए बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस संसार से कोई भी व्यक्ति जो आपसे लिंकअप था, अगर वो आपके दुनिया से जाता है तो देखिए वो इस संसार की दुनिया यानी कि स्मृत लोक से जा रहा है, ना कि आपके यहाँ से जा रहा है। आप होते कौन हो किसी पर अधिकार जमाने के लिए? आप बोलते हो कि मेरी उनसे शादी हुई, अरे शादी आपसे की है क्योंकि आपको एक परमिट मिल सके बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन ये किसने कह दिया कि आप उन पर अधिकार जमाओ कि वो मेरे हैं? आपको अपने बारे में नहीं पता, आप दूसरों को अपना बनाने में लगे। जिस दिन आपको अपना खुद के बारे में बोध हो जाएगा, दुनिया की भाग दौड़ से बचिए कि दुनिया कैसे चल रही है, ये वो उससे बचिए। अगर आपको सच में कुछ जानना है तो अपने बारे में जानिए, जब आप अपने बारे में जान जाओगे तो दूसरा खुद आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, और जो आप चाहते हो उसको समझ जाओगे। अभी आप जैसा बोलते हो ना, मैंने वीडियो में बताया कि आपकी वीडियो देखते हैं दूसरे की वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, वो कभी भी नहीं होगा। बस शॉर्ट टर्म आपको एक रिलीफ मिलेगा लेकिन फिर से घंटे 2 घंटे बाद और मैक्स 1 1 डे के बाद में फिर वही होगा। लेकिन पहले समझिए चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, इनको समझिए, अपने आप अपने अंदर झांकिए कि मैं हूं कौन, जिसे मैं अपना कहती हूं या कहता हूं क्या वो सच में मेरा है? मैं खुद अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकता, मैं खुद इस शरीर की गारंटी नहीं ले सकता जिसे आप देख रहे हो, जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, और आपको इवन दो इतना भी पता है कि सबको सबके साथ में ऐसा होना है तब भी आप ऐसा कर। इसका आंसर मैं बहुत तरह से दे सकता हूं, आपको बहुत तरह से समझा सकता हूं, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ना समझा कर बस इतना बताया जाए कि खुद का बोध करो, खुद का विकास करो, खुद को समझो, खुद के अंदर की चेतना को समझो। जब आप चेतना तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अब आपको सवाल आएगा कि चेतना तक पहुंचे कैसे, ऐसा क्या किया जाए कि चेतना हमारा चेतना तक हम पहुंच सके?
देखिए, चेतना तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ये भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है उससे थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा रुक जाओ। रोने का दिल कर रहा है रो लो, जो मन कर रहा है वो कर लो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ। शांत होने के बाद में आपको बिल्कुल पीसफुली बैठना है, और जब शांत हो जाओगे देखो दुनिया जैसी दिख रही है चलती हुई ऐसी चल रही है। और अगर ऐसी ही चलती हुई दिखे जब आप शांत हो तो भी आप अपना बोध नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस दिखे कि नहीं जो मैं समझ रहा हूं या जो मैं समझ रही थी ऐसे नहीं है, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो हटके चल रहा है, बस उसी रास्ते को पकड़ लो, उसके अंदर गहराई और गहराई और गहराई के साथ में जाते जाओ। देखो जब हमारे पास में स्मार्टफोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। जब आया या हाथ में तो हम सोचते थे कैसे चलेगा, जब हम इसके अंदर गए तो हमने और सीखा, और जब और इसके और ज्यादा सीखते गए तो हम इसके एक्सपर्ट हो गए। अब हम फिंगरों पर पूरा अपने स्मार्टफोन को घुमाते रहते हैं क्योंकि हमने इसको जान लिया। इसी तरह अभी आपने क्या सोचा कि ये माइंड है, क्या है माइंड को कैसे पता चला, आपने पढ़ा किताब में, ये शरीर है, ये सारी चीजें हैं और आपकी वही लेयर बनी हुई है, उससे आगे आप जा ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर उससे आगे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। और जैसे जैसे आप इसको वर्कआउट का पूरा प्रोसेस को जान लोगे उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि जो यहां से जा रहा है उसका मतलब क्या है, क्या वो सच में मेरा था। मैं जो क्लेम करता करती हूं कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मैंने अपना अटैचमेंट इतना क्यों बना लिया, या मेरा तो इतने अभी सपने थे, ऐसा कैसा हो सकता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को अभी भी आपको ठेस लगेगी कि क्योंकि मेरी बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है और जो फैक्ट है और जो रियलिटी की बेस्ड है उस पर है, मैं आपको भ्रम में नहीं रखता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वही अभी आपको मिलेंगे ऐसा होगा, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं और उनको आप हाथ जोड़ के अप्रिशिएट करते हो, हाँ हाँ कितना ज्ञानी है कैसा है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है सच्चाई सुनने की। जिस दिन आप सच्चाई सुनना चाहोगे, जिस दिन वो हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी, आप अपने अंदर के बोध को जगाओगे, उस ज्ञान को जगाओगे जो आपके अंदर जागना चाहता है। आप हमेशा ये तो सोचते हो कि मेरे साथ में दुख क्यों है, लेकिन ये नहीं देखना चाहते कि ये दुख का मतलब क्या है, ये दुख हमें क्या बताना चाहता है, वो आपको सच्चाई के उस पर लाना चाहता है। आपके 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल एज हो गई होगी, आपको इतना भी नहीं पता, कम से कम मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं कि जितनी मैंने आपको बातें बताई कम से कम इतनी पहले ही पता होनी चाहिए थी, और नहीं भी पता तो इन्हीं को सोच के चलते रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें तो बस वही सच्चाई लगती है जो हमें दिखाई जा रही है, जो सारे लोग भाग रहे हैं, सुबह को काम पर जाते हैं शाम को काम से आते हैं और लगता है कि आज तीर पूरा तीर मार का है, जीवन सफल हो गया, और ये पता है कि तुम करोड़ कमा लो, तुम कितना कमा लो, तुम्हें यहाँ पे ही छोड़ना है, सब कुछ इधर ही छोड़ना है, लेकिन नहीं है, हमें लगता है कि हम तीर मार का है, और उसी तीर के चक्कर में आज का जीवन नष्ट है, कभी खुद को नहीं जान पाते, बस सोचते हैं कि हाँ अब हम हैं, अब शादी करेंगे, बच्चा करेंगे, जो हमने किया वही बच्चे को कराएंगे, जो तुम ना कर सके उस बच्चे से कराएंगे, उसको जिम्मेदारी दे देंगे, उसका जो सेल्फ है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, जो सच में बच्चा करना चाहता है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों पर थोड़ा सा गौर दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, ऑलरेडी 20 से ज्यादा मिनट की वीडियो हो चुकी है, दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा इसके बारे में, उस पार्ट में फिर से आपको बताऊंगा, और वीडियो को देखा कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। हर एक बात का बहुत मतलब है लेकिन आप नहीं समझते, आप पूरे दिन दूसरी चीजें देखते रहोगे लेकिन ये 20 मिनट मेरे बोरिंग बातें सुनने के लिए आपके पास में नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का नया पार्ट लेकर आएंगे, उसमें और आगे की बात बताऊंगा। आपको छोड़ूंगा तो नहीं इस तरह से कि बस पेन 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 रोते रहने से तो बात नहीं बनेगी। आई वॉन्ट कि जैसा आप पहले हंसते थे, अब अगर आप किसी अपने हस्बैंड को मिस कर रहे हो या अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो तो सोचो कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ को मिलने से पहले कितना खुश थे उस स्टेज में।
और जो दूसरे लोग हैं जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, तो उनको सोचना चाहिए कि जब उनसे नहीं मिले थे तब वो कितने खुश थे। और इसी तरह आप अपने अपने रिलेशन को जैसे भी आप समझते हो उसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। तो उस स्टेज पर पहुँचाने का मेरा काम है और मैं उस पर लगा हुआ हूँ और पहुँचा कर छोड़ूंगा। बस आप क्या साथ दे सकते हो तो दो। वीडियो को देखो, देखने से ज़्यादा उनको समझो, समझने से ज़्यादा उनको अपने अंदर अप्लाई करो, अप्लाई करने से ज़्यादा खुद को पहचानो, खुद को परखो और अपने अंदर जो आपके अंदर बोध है, जो एक ज्ञान का भंडार है, जो एक ब्रह्मांड है, जो एक पूरा नेचर है, उससे मदद मांगो, अपने एंजल से मदद मांगो कि मेरी मदद करो ये सारी चीज़ों को झेलने के लिए, इनसे पार पाने के लिए। बिल्कुल सब ठीक होगा, यकीन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।